वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने मंगलवार को दमोह के तहसील मैदान में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन और सूखा राहत राशि वितरण के दौरान प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति के सदस्यों को एटीएम कार्ड वितरित कर सहकारी केंद्रीय बैंक का डिजिटलाइजेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समिति बड़खेड़ा के रामकरण पटेल और अखिलेश हजारी को डेबिट कार्ड वितरित किए गए। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले, आप बताओ आपको कोऑपरेटिव बैंक का कितना ब्याज लगता था? कितना लगता था ब्याज पदम सिंह बताओ? 18%, 16%। और आज कितना लगता है? और अब तो ये है, 100 रुपए का बीज और खाद ले जाओ और 90 रुपए दे जाओ। है कोई ऐसी प्रदेश में सरकार हिंदुस्तान में या दुनिया में जो हमारी सरकार कर रही है? भावांतर के बारे में कि किसान नाराज है, क्योंकि किसान को समझ नहीं आया था, परंतु हमने उनके लिए किया है। अब चाहते हैं कि किसानी का धंधा फायदे का धंधा बने, उसका जो इनपुट है जब तक कम नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इनपुट कैसे किया? ब्याज खत्म कर दिया। इनपुट कैसे कम किया? जो डीजल से चलते थे आपके पंप, हमने बिजली से चलाना शुरू कर दिया। दमोह से ईएमएस टीवी के लिए दीपक सेन की रिपोर्ट।